साथियों नमस्कार। मैं इस समय सदर बाज़ार में हूं। मैं आज आपको सदर बाज़ार में कहां पे क्या आइटम मिलती है दिखाने की कोशिश करूंगा। इस समय यहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, दीपावली की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है। फिर भी मैं आपको पूरी मार्केट दिखाने की कोशिश करूँगा कहाँ पर क्या क्या आइटम मिलती है। तो बैक कैमरे से अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जब आप सदर बाज़ार बाराटोटी चौक पर आएंगे आपको ये देखिए, ये सामने ऐसा बोर्ड मिलेगा और बगल में ही आपको ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, ये पुलिस चौकी है। और पुलिस चौकी के बराबर में ये जो रोड जा रहा है ये आरके आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है। रोड आपको दिखेगा नहीं क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये देखिए सारा यहाँ पे बैटरी वाले खड़े हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये बर्तन मार्केट की तरफ जाता है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे बाराटोटी चौक पे, आप किसी से भी पूछ लेंगे आपको बर्तन मार्केट का भी अंदाजा हो जाएगा। और जो सदर बाज़ार की जो मेन मार्केट है मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ये सारी सदर बाज़ार की मेन मार्केट है, ये सदर बाज़ार का मेन रोड है। थोड़ा आप आगे चलेंगे तो इस तरफ आपको रुई मंडी मार्केट मिलेगी, इस तरफ आपको गली नंबर 11 मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि अगर आप सदर बाज़ार आएंगे तो आपको रुई मंडी कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय, अभी दिवाली में बहुत टाइम है, अभी सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आप जब भी यहाँ पे आइए बहुत ही सावधानी पूर्वक आइए। ये देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ बाराटोटी चौक का हाल, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, रश है, इतने आदमी यहाँ पे आते हैं डेली। मैं आपको चाह रहा हूँ ये देख सकते हैं, आपको अगर दिवाली डेकोरेशन की आइटम लेनी है तो ये देखिए ये भी दुकान आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मेन रोड पे ही है। ये देखिए ये सारी दिवाली डेकोरेशन की आइटम यहाँ पे लगी हुई है। आप जब भी यहाँ पे आइए बिल्कुल सावधानी पूर्वक परचेजिंग कर सकते हैं, सारी आइटम आपको दिवाली डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए अभी मैं आपको आगे किसी दुकान की वीडियो भी बना के दिखाऊंगा, अगर इसका प्राइस वगैरह जेन्युइन होगा और जो दुकानदार जेन्युइन होगा। क्योंकि दोस्तों हमारी कोशिश ये है कि मैं जेन्युइन दुकानदारों की वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। ये देखिए दोस्तों अब मैं बाराटोटी चौक से जब अपने बिल्कुल सीधे थोड़ा सा आगे आया सदर बाज़ार मेन रोड की तरफ, ये देखिए ये गली रोई मंडी है। ये देखिए ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट है, ये सीधा रोड लास्ट तक पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह की दुकानें आपको दोनों साइडों में मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बैग है, पर्स है, और भी ये देखिए सारी लेडीज की आइटमें हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर भी बहुत बड़ी दुकान है, ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट है। ये देखिए यहाँ पे आपको पूजा आइटम्स की भी दुकान मिल जाएगी, उनके यहाँ भी पूजा स्टोर के काफ़ी सामान मिल जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए सारे नेल पॉलिश आपको मिलेगा, सारी ये बड़े बड़े होलसेलर हैं। ये देखिए यहाँ भी आपको तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपको गले के सेट मिल जाएंगे, ये भी दुकान है। और ये देखिए तो सारी दोस्तों रुई मंडी बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको अगर पूरी मार्केट अगर टूर कराऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। आप जब भी रुई मंडी में आइए बिल्कुल सावधानी से आप पूरी मार्केट पहले सर्वे करिए, जिसका आपको रेट बढ़िया लगता हो, जो दुकानदार आपको जेन्युइन लगता हो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन दुकानदार की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, लेकिन अगर जैसे आप फिर भी आते हैं तो आप जेन्युइन दुकानदार से ही माल परचेज करिए, जिससे आपको रेट भी बढ़िया मिले और आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। ये देखिए ये भी चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है। ये देखिए तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत बड़ी मार्केट है रुई मंडी। यहाँ पे देखिए कितना जाम लगा पड़ा है, दिन भर यहाँ पे जाम लगा रहता है, सुबह से लेके रात को 9 बजे तक पूरा जाम ही जाम आपको मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे पब्लिक आती है परचेजिंग करने, यहाँ पे वीडियो बनाना भी बहुत ही मुश्किल है। देखिए
यहाँ पे इस तरह की आपको पटरी मार्केट भी मिल जाएगी, जो कि आपको रिटेल में ये आइटमें मिल जाएंगी। अगर आपको कम क्वांटिटी में कोई आइटम चाहिए तो आप पटरी से भी ले सकते हैं, वैसे ये महंगा देते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दुकानों की वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ही दुकान है। गले का सेट यहाँ पे आपको दिखेगा। हेलो, मैं अभी इसमें वही मंडी मेन रोड पे ही हूँ, अंदर किसी गली में मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, रोई मंडी से लगी हुई ये पतली पतली गलियाँ भी है। ये देखिए, एक गली मैं आपको दिखाता हूँ, ये गली सीधे आपको अंदर गांधी मार्केट में लेके जाएगी। ये देखिए साथी, तरह तरह की आइटमें मिल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिवाली डेकोरेशन की भी आइटम मिल जाएगी। ये देखिए, ये भी यहाँ पे हर तरह की आइटम आपको मिल जाएगी। अगर आप दिवाली डेकोरेशन की आइटम परचेज करना चाहते हैं तो इस दुकान पर आके ले सकते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक आइटम भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ भी आपको हर तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। कॉस्मेटिक आइटम्स की भी दुकानें हैं यहाँ पे, कॉस्मेटिक आइटम भी मिल जाएगी। यहाँ भी आपको ये कॉस्मेटिक आइटम की बहुत बड़ी शॉप है, तो यहाँ पे आपको दोनों तरह की आइटम मिल जाएगी। आपको कॉस्मेटिक आइटम भी मिल जाएगी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, चाहे आप सस्ती आइटम देख रहे हों या महंगी आइटम देख रहे हैं, हर तरह की आइटम आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको गले का सेट मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको तरह तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ये मैं आपको मेन रोड का ओवरव्यू दे रहा हूँ, किसी स्पेशल दुकान की व्यू बना रहा हूँ। ये देखिए, आपको सबसे अच्छी पहचान बता दूँ, जब आप बाराटूटी चौक से, जैसे ये सामने आपको बाराटूटी चौक मिलेगा, जब आप बाराटूटी चौक से सीधे आएंगे तो आपको थोड़ा सा आगे चलने पे ये कोने पे छोले भटूरे वाला नज़र आएगा। यहीं से आपको टर्न करना है अपने लेफ्ट पे, लेफ्ट पे ये सारी मार्केट रोई मंडी है, और बिल्कुल ठीक सामने आपको गली नंबर 11 मिलेगी, जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर और पैकेजिंग आइटम प्लास्टिक आइटम्स की मार्केट है। मैं आपको किसी दिन इस मार्केट का भी पूरा टूर कराऊंगा, कहाँ पे आपको आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह मिलते हैं और आपको जो प्लास्टिक आइटम पैकेजिंग आइटम मिलती है। इस गली में मैं आपको पूरा दिखाऊँगा, डिटेल से वीडियो बनाऊँगा किसी दिन। ये देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं, ये सारी डेकोरेशन की आइटमें लगी हुई हैं फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से माल परचेज कर सकते हैं। अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, सदर बाजार का मेन रोड है, उस पर चल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको और तरह तरह की आइटमें मिल जाएंगी, कॉस्मेटिक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। इसके अलावा भी इस मार्केट में बहुत सारी आइटमें मिलती हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है सदर बाजार पे। ये देखिए, ये मेन रोड पे हैं दुकानें। ये देखिए, ये पूजा आइटम्स की शॉप है, यहाँ पे आपको पूजा आइटम्स सारा होलसेल में मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, मैं इस समय मेन रोड पे ही हूँ। ये देखिए, ये सारा मेन रोड है। ये देखिए, ये सारे मेन रोड है, और आपको मेन रोड पे ये देखिए, यहाँ पे आपको झंडे वगैरह भी मिल जाएंगे, और ये आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप है। ये देखिए, सारी दिवाली आइटम्स ही यहाँ पे मिलेगी इसमें, क्योंकि दिवाली का सीजन आ गया है। सारी दिवाली की आइटम, डेकोरेशन की आइटम, ये देखिए, ये माला वगैरह है यहाँ पे। ये देखिए, गणेश लक्ष्मी के छोटे छोटे माला आते हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे पूजा आइटम्स की दुकान मिलेगी, यहाँ पे आपको सारा पूजा आइटम्स मिल जाएगा। ठीक है जी, आप इस तरह से यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आपको पूजा आइटम्स मिलेगा सारा, सब होलसेल की दुकानें हैं। ये भैया, माला क्या रेट पड़ता है होलसेल का रेट? होलसेल का 42 रुपये। 42 रुपये दर्जन। कितने से स्टार्ट है अपने पास? 36 रुपये दर्जन का जी। अच्छा, मतलब 3 रुपये का पीस, 1800 रुपये दर्जन तक है। ओके, तो 3 दिखाओगे, 3 रुपये वाला पीस कौन सा है? ये रहा।
3 रुपए पेयर ना, मतलब 2 पीस होते हैं ना इसमें, एक ये एक पीस होता है, ये 3 रुपए का पीस पड़ा। तो कितने का सेल होगा ये, जैसे जो लेगा गणेश लक्ष्मी का जोड़ा लेगा 20? अच्छा 20 रुपए में 2, इस हिसाब से बेच सकते हैं ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं तरह तरह के आपको यहाँ पे गणेश लक्ष्मी की माला मिल जाएगी। अगर आप जैसे दिवाली के लिए आइटम देखना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं। ये देखिए ये 42 रुपये दर्जन है, 3.5 रुपये के। ये देखिए आपको छोटी सी लेके बड़ी तक हर तरह की यहाँ पे माला मिल जाएगी, पूरा यहाँ पे भरा पड़ा है। ये देखिए दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे सारे पूजा आइटम्स, यहाँ पे आपको सारा दिवाली आइटम्स मिलेगा। तो अगर आप ये देखिए ये भी आपको दिवाली आइटम्स, ये देखिए ये पूजा आइटम्स की बहुत बड़ी दुकान है। अगर आप पूजा स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चुनरी है और भी बहुत तरह की आइटम मिल जाएंगे। तो मैं आपको अभी सदर बाज़ार का छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे आके कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि सर यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है, मेरे साथ ये हो गया। देखिए आप मार्केट में आएंगे, लोगों से बात करेंगे, जेन्युइन दुकानदार ढूंढेंगे, तभी जो है आपको सही दुकानदार मिलेगा, उसके बाद ही आप सही से माल परचेज कर पाएंगे। कभी भी आप एडवांस पेमेंट किसी को भी मत करिए, किसी के खाते में पैसे मत डालिए, और दलालों से बिल्कुल सावधान रहिए, दलालों के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए, जैसे मैं अपनी सारी वीडियो में कहता हूँ। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं इस समय मेन रोड पे खड़ा हूँ, ये मैं 12 टूटी चौक से आया था इधर, और ये रोड सीधा जो जा रहा है ये कुतुब चौक पे आपको ले जाएगा, उसके बाद आपको सीधे ये रोड खारी बावली की तरफ लेके चला जाएगा। खारी बावली की मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इस रोड पे आके पूरी मार्केट विजिट करिए। और इससे लगी हुई पतली पतली गलियां हैं, जैसे एक गली आपको ये दिख जाएगी, गली नंबर 11 हो गई, क्रॉकरी मार्केट हो गई, और भी बहुत सारी गलियां हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो अलग अलग गलियों में आपको अलग अलग आइटम मिल जाएगी। आप मेन रोड पर भी विजिट करिए और अंदर गलियों में भी विजिट करिए, जहाँ पे आपको रेट सही लगता हो, आपके हिसाब का माल मिलता हो, वहाँ पे आप माल परचेज करिए।